नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज जो है आप लोगों से बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको CCNA स्टूडेंट्स के लिए क्या बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं और उनके क्या आंसर हैं, ये मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट केबल इज यूज टू कनेक्ट राउटर विद कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को डायरेक्टली अगर राउटर से कनेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सी केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे है आंसर इज कंसोल केबल। तो यहाँ पे कंसोल केबल का इस्तेमाल किया जाता है। सो दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है, What password you will enter when escalating from user mode to privilege mode? तो आपको कौन सा ऐसा password जो है आप enter करेंगे जो कि जहाँ जब आप escalate हो रहे हैं user mode से privilege mode में। यहाँ पे आपको चार option दिए गए हैं, enable password, enable secret, telnet password, none of the above, the answer is enable secret। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे है, हाउ टू कॉन्फिगर टेलनेट इन सिस्को राउटर, द आंसर इज लाइन VTYS 0 space 4 और पासवर्ड इज सिस्को लॉगिन लोकल। इस तरह की कमांड लाइन हमें एंटर करनी पड़ती है। यहाँ पे ये जो सिस्को है जो कि एक आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप एंटर कर सकते हैं जो भी आपने वहाँ पे सेट किया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है, व्हाट डज इट मीन बाय 04 विद VTY इन कमांड लाइन, लाइन VTY 0 space 4। इट मीन्स वी कैन हैव मैक्सिमम 5 कॉन्करेंट सेशंस, यानी कि हम एक साथ हम जो है टेलनेट के जरिए 5 कॉन्करेंट यूजर जो है सेशंस जो है वो रन यहाँ से कर सकते हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, विच कमांड रिवील्स द लास्ट मेथड यूज्ड ऑफ पावर साइकिल राउट। तो यहाँ पे हमें जो कमांड यूज करनी होती है वो है शो वर्जन। शो वर्जन के अंदर हमें जो है सारी डिटेल मिल जाती है, तो उसके जरिए ही हम यहाँ से पावर साइकिल जो है उसका पता लगा सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच स्विच इंटरफेस वुड an administrator configure an IP address so that the switch can be managed remotely। इसका मतलब है कि जो स्विच है उसके कौन से इंटरफेस के ऊपर जो है जो भी नेटवर्क इंजीनियर है वो IP एड्रेस कॉन्फिगर करेगा जिसके वजह से जो है हम रिमोटली उस स्विच को जो है मैनेज कर सकेंगे। तो यहाँ पे आंसर इज VLAN 1। तो VLAN 1 को हम जो है IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, उसी IP एड्रेस का इस्तेमाल करके हम उस स्विच को रिमोटली मैनेज कर सकते हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल ही बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको बहुत ही वैल्यूएबल आपके वीडियोस जो आप चाहते हैं, जो कि आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से जो है सब्सक्राइब का बटन का दबा दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विच पोर्ट इज यूज बाय टेलनेट एंड SSH। तो जब हम यहाँ पे टेलनेट के जरिए जो कनेक्शन करते हैं तो हमें जो है 23 पोर्ट जो है वो यूज़ होता है, और जब हम SSH मोड में उसको कनेक्ट करते हैं तब हमारा पोर्ट नंबर 22 जो है यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन, विच केबल टाइप इज यूज्ड बिटवीन स्विच एंड PC। जब हम स्विच को डायरेक्टली हमारे PC के साथ कॉन्फिगर करने के लिए कनेक्ट करते हैं तो कौन सी टाइप की केबल जो है हम इस्तेमाल करते हैं। सो आंसर इज स्ट्रेट केबल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ SMB पोर्ट। SMB पोर्ट का क्या इस्तेमाल है। तो यहाँ पे SMB पोर्ट इज यूज्ड फॉर फाइल शेयरिंग। तो यहाँ पे जो SMB पोर्ट है बेसिकली ये TCP पोर्ट नंबर 445 है। तो अगला क्वेश्चन है, विच आर FHRP प्रोटोकॉल इज सिस्को प्रोप्राइटरी। तो इसमें कौन सा सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है जो कि है HSRP, सिस्को का प्रोप्राइटरी है और जो स्टैंड करता है हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज बैंडविड्थ
to a destination network calculated by EIGRP. तो EIGRP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे बैंडविथ कैलकुलेशन जो है वो डेस्टिनेशन नेटवर्क के अंदर जो है किस तरह से कैलकुलेट होता है. द लोएस्ट कॉन्फिगर्ड बैंडविथ ऑफ द एनी इंटरफेस अलोंग द राउटर, यानी कि जो भी सबसे लोएस्ट हमारा बैंडविथ होगा जिस भी पोर्ट के ऊपर, उसी के बेस के ऊपर यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है. सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेलनेट एंड SSH. तो टेलनेट की अगर मैं बात करूं तो ऑल दी डेटा इंक्लूडिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इन क्लियर टेक्स्ट. यहां पे जब हम टेलनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कोई भी इनक्रिप्टेड नहीं होता है, चाहे हम कोई भी उसके बाद काम कर रहे हैं, चाहे हम यूजर एंटर कर रहे हैं या पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, वो भी क्लियर टेक्स्ट के अंदर विजिबल होता है. सो विच इज जो कि एक सिक्योर कनेक्शन नहीं बन पाता है. और वहीं पे अगर हम SSH का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे ऑल डेटा इंक्लूडिंग यूजर नेम एंड द पासवर्ड इज इनक्रिप्टेड. सो हमेशा अगर आप इस्तेमाल करें, वैसे जनरली लोग टेलनेट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आई वुड रिकमेंड कि क्योंकि आज की डेट में सिक्योरिटी इज दी प्रायोरिटी, सो यू कैन यूज SSH सो दैट कि आपका यूजर नेम पासवर्ड एंड वट एवर यू आर डूइंग इज इनक्रिप्टेड. सो अगला हमारा क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू शो एक्टिव टेलनेट कनेक्शन. अगर एक्टिव टेलनेट कनेक्शन का आगे हमें पता लगाना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हमें लिखना है show sessions. तो यहाँ पे हमें जो है इसका जो भी कनेक्शंस होंगे वो पता चल जाएंगे. सो अगला क्वेश्चन है, हाउ ब्रिज आईडी इज कैलकुलेटेड इन एसटीपी. तो यहाँ पे ब्रिज आईडी जो है वो किस तरह से आपकी कैलकुलेट होती है, तो यहाँ पे जो भी उसका प्रायोरिटी नंबर होता है उसके बेस के प्लस मैक एड्रेस के बेस के ऊपर जो है यहाँ पे ब्रिज आईडी जो है वो कैलकुलेट होता है इन एसटीपी. Which routing protocol is used on internet? बहुत ही important question है. तो which routing protocol is used on internet? तो यहाँ पे BGP protocol जो है इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका full form है Border Gateway Protocol. I'm sure आप लोगों ने मेरी ये BGP जो वाली वीडियो है आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हैं, नेटवर्किंग का जो कोर्स है उसके अंदर ये मेरी वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर डली हुई है. सो अगला क्वेश्चन है, एट विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल एरर इज डिटेक्टेड. तो आपको ओएसआई मॉडल की सभी 7 लेयर्स के बारे में अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सी लेयर का क्या काम है. तो यहाँ पे जो एरर डिटेक्शन की बात आती है तो ये लेयर 2 जो कि डेटा लिंक लेयर है, यहाँ पे एरर डिटेक्शन का जो है ओएसआई मॉडल में पता चल पाता है. सो अगला क्वेश्चन है, एट विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल डज टीसीपी ऑपरेट. अब टीसीपी जो है कौन से लेयर पे जो है ऑपरेट होता है, तो लेयर नंबर 4 विच इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर. सो व्हाट एक्शन अ स्विच टेक इफ द डेस्टिनेशन एड्रेस इज अननोन. तो ये भी बहुत बार आपको कंफ्यूजन कईयों को हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत ही क्लियर रहना है. अगर स्विच जब भी कोई भी स्विच हमारा स्टार्ट होता है तो उसके पास जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो उनके साथ जब अपना रिलेशन बिल्ट करता है तो उन सभी के मैक एड्रेस जो है वो कौन से पोर्ट पे कौन सा पीसी है और उसका क्या मैक एड्रेस है वो अपने पास पूरे टेबल में स्टोर करके रखता है. लेकिन ऐसा अगर उसको लगता है कि यार जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस उसके पास नहीं है, अगर वो उसी स्विच के साथ में कनेक्टेड होगा तो उसके पास लिस्ट में होगा, अगर नहीं होता है देन इन दैट केस वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, फ्लड्स द फ्रेम टू ऑल द पोर्ट्स एक्सेप्ट द ओरिजिनेटिंग पोर्ट. यानी कि वो जो ब्रॉडकास्ट करता है सभी पोर्ट्स को ब्रॉडकास्ट करता है जानने के लिए कि किसके पास वो मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस है. तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो बाकी सभी पोर्ट्स पे होती है, सिर्फ एक ही पोर्ट पे नहीं होती जिस पोर्ट से वो रिक्वेस्ट आई है. तो ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर कभी भी डाउट मत तो करना. इसके बाद है हमारा, विच 3 स्टेट वर रिप्लेस्ड विद द RSTP डिस्कार्डिंग स्टेट. तो यहाँ पे आंसर है हमारा डिसेबल्ड, ब्लॉकिंग एंड लिस्टिंग जो है ये हमारा रिप्लेस हो जाता है डिस्कार्डिंग स्टेट के अंदर. तो विच एलिमिनेट्स स्विचिंग लूप्स. स्विच के अंदर जब लूपिंग स्टार्ट होती है तो उसको कौन
रोकता है। तो यहाँ पे है एसटीपी, जो कि एक एसटीपी का मतलब होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अगर आपने अनमैनेज स्विचेस के होंगे तो वहाँ पे आपको एसटीपी अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ मैनेजेबल स्विचेस के अंदर ही फीचर अवेलेबल है। तो अगर आपका एसटीपी अगर अनमैनेज है तो वहाँ पे अगर आप जब भी कोई दो केबल आपस में दो स्विच के बीच में कनेक्ट कर देते हैं तो पैरेलली, तो वो पूरा लूप जनरेट करती हैं और जिसकी वजह से पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है। बट इन मैनेजेबल स्विचेस ये एसटीपी जो है आपको देखने को मिलता है एक प्रोटोकॉल जो कि ऑटोमेटिकली मैनेज करता है उन लिंक्स को, उन दोनों लिंक में से, तीनों लिंक में से जो भी आपके आ रहे हैं लिंक वहाँ पे पैरेलल आ रहे हैं, तो वो उनमें से मैनेज करके उसको जो है एक बाकियों को ब्लॉक कर देता है, एक ही लिंक को अप रखता है और बाकियों को ब्लॉक रखता है। अगर जो रनिंग लिंक है वो किसी वजह से डाउन होता है तो एसटीपी क्या करता है, दूसरे लिंक को अप कर देता है ऑटोमेटिकली। सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडी वैल्यू ऑफ ओएसपीएफ एंड बीजीपी। AD value is stands for administrative value. तो यहाँ पे जो है OSPF के अंदर हमारा जो default एक AD value आती है वो 110 आती है। वहीं पे अगर BGP की बात करें तो यहाँ पे दो तरह की values available होती है, one is IBGP और जिसकी AD value होती है 200, और एक होता है EBGP value, AD value जिसकी होती है 20। सो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारे आज के इस वीडियो के दोस्तों क्वेश्चन हो गए खत्म, और आगे भी बहुत सारे और क्वेश्चन मेरे पास लाइनअप है, तो वो भी आपको जो है CCNA, CCNP, CCIE आगे जितने भी कोर्सेज होते हैं सिस्को के, सभी के लिए क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जनरली, वो सारे के सारे आपको बीच बीच में हर एवरी वीक जो है आपको मिलते रहेंगे। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छे लगे होंगे, और आप तैयारी रखें कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जनरली पूछे जाते हैं, हमने तो बहुत ही कम कवर किए। आने वाले और वीडियोस में मैं आपको धीरे धीरे और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है वो कवर करने के लिए आपको देता रहूँगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, आपके सभी सवालों के जवाब डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे विद इन अ वीक। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, अगर लगा है अच्छा तो क्या एक लाइक जरूर करके जाना। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।